नमस्कार, अमकर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप शिखा। बुलेटिन की शुरुआत खबरों से। भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क में मंगलवार को बड़ी चूक सामने आई। 4 साल का नर टाइगर शौर्य अपने बाड़े से बाहर निकल गया। इससे वन विहार में हड़कंप मच गया। वहीं ताबड़तोड़ पार्क में मौजूद टूरिस्टों को बाहर निकाला गया और टाइगर की तलाशी शुरू की गई। करीब 1 घंटे बाद टाइगर बारहसिंगा के बाड़े में आराम फरमाते हुए मिला। टैंक्यूलाइज करने के बाद मैनेजमेंट ने राहत की सांस ली। वहीं डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर AK जैन ने बताया कि जाँच में पता चला है कि जू कीपर की गलती से इनक्लोजर गेट खुला रह गया था, जिसके चलते टाइगर बाहर निकल गया। इसकी जांच शुरू कर दी गई है। वहीं दोषियों पर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। शहडोल जिले के कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल इन दिनों सुर्खियों में है। बता दें कि जिला अस्पताल के सिविल सर्जन एक अनूठी पहल कर रहे हैं, जिसमें जिला अस्पताल का कायाकल्प कबाड़ से किया जाएगा। वहीं अस्पताल में टूटे फूटे पलंग व अन्य सामग्रियों की मरम्मत व पेंटिंग कराकर उनका उपयोग रेलिंग, आवारा पशुओं को रोकने व काऊ कैचअप बनाकर कार्य होगा। जो कबाड़ के वार्डों में भी डिस्टर्ब हो गया था, मरीजों को भी डिस्टर्ब था, तो उनको हमने कहा कि इसका कुछ उपयोग किया जाए। कलेक्टर मैडम का एक दिन दौरा हुआ तो हमने बताया कबाड़ है, तो बोले इनका कुछ अच्छा उपयोग किया जाए। तो हमने कहा कि ठीक है, आपका निर्देशन में बिल्कुल काम ठीक करेंगे। और एक कलाकार को हमने ढूंढा कि भाई तुम कबाड़ से क्या बना सकते हो, तो वो उसने अपनी कलाकारी की हुई है। और आप देख रहे हैं कि जो वेस्ट सामान पड़ा था, जिसका कोई उपयोग नहीं था, उन पलगों को उसने निकाल के रेलिंग का काम किया है। कुछ पाइप ऐसे निकले जो पलंग के मोटे मोटे पाइप थे किसी उपकरण के, उनको लगा के गेट बना लिया है। और जो पलंग के बीच की स्ट्रिप होती हैं, जिसको हम पत्तियां कहते हैं, उनके निकाल के उसने सुंदर पशु पक्षी बनाए हैं। छतरपुर में 3 दिवसीय CCLE प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान शिक्षक शिक्षिकाओं को विभिन्न विधाओं का प्रशिक्षण हायर सेकेंडरी स्कूल में दिया गया। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी हरीश चंद्र दुबे ने बताया कि जिले के शिक्षक और शिक्षिकाओं को राजधानी भोपाल में विभिन्न विधाओं का 5 दिवसीय प्रशिक्षण 23 मई से 27 मई 2022 को दिया गया था। वहीं कई विधाओं के साथ लोक संगीत व लोक नृत्य की भी हुई। तो ये जो CCL प्रशिक्षण हो रहा था, उसमें एक विधा ये भी थी, लोक संगीत एवं लोक नृत्य का सदनवार प्रस्तुतिकरण। ये जो आप देख रहे हैं, ये सदन में वो लोक नृत्य और लोक संगीत का प्रस्तुतिकरण है। आने वाले समय पर हम लोग जो बाल सभा होती है, उसमें इस तरह की विधाओं को सम्मिलित करेंगे। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, नाटक वगैरह भी है, ये सारी चीजें हम लोग उसमें सम्मिलित करेंगे। निकाय चुनाव को लेकर उम्मीदवारों से क्षेत्रों में उपलब्धियों व प्रत्याशियों के अंतिम सूची को लेकर रायशुमारी के लिए बैठक आहूत की गई। बैठक में पूर्व मंत्री और कटनी कांग्रेस के संगठन प्रभारी बनाए गए। वहीं लखन घंगोरिया नगर निगम निकाय चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए अधिकृत किए गए हैं। वहीं उन्होंने यहाँ मौजूद लोगों से चुनाव को लेकर चर्चा की। नगर निगम के चुनाव की प्रक्रिया चालू हो गई। स्वाभाविक रूप से संगठन की अपनी तैयारियां होती हैं और कांग्रेस की अपनी तैयारियां। तैयारियों का जायजा लेना, कैंडिडेट के चयन में जनमानस की भावना को समझना और कार्यकर्ताओं का समर्पण, पार्टी के साथ साथ समर्थन किस प्रत्याशी के पास है, के साथ है, इसकी रायशुमारी करने को लेके, और इसके साथ साथ नगर निगम के तमाम वार्डों में जो पार्षद के प्रत्याशी हैं उन्हें की सही सूची बने और जमीनी कार्यकर्ताओं को टिकट मिले, मौका मिले सेवा करने का, ये आज की इस बैठक का उद्देश्य। बिलासपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने में बिलासपुर संभाग की बड़ी भूमिका होगी। 50% युवाओं को कांग्रेस ने मौका दिया है, वहीं टिकट काटने का अधिकार हाईकमान का है। साथ ही उन्होंने हसदेव अरण्य क्षेत्र के मामले को लेकर कहा कि सरकार को इन समस्याओं के बारे में पूरी खबर है और समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार प्रयासरत है।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और भाजपा को देश की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, इन 8 सालों में 14 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात थी। उन्होंने किसानों की आय 2022 तक दोगुना करने की बात की थी। आज क्या हंस रहे किसान, पूरे देश में आत्महत्या कर रहे हैं। आज उन्होंने अच्छे दिनों की वादा किया था, आज देखिए महंगाई के कारण त्राहिमाम स्थिति आ रही है। हमारी सरकार थी 410 रुपये गैस सिलेंडर का था, आप शतक 1100 रुपये गैस सिलेंडर के दाम है। हमारी सरकार थी 65 रुपये पेट्रोल का रेट था प्रति लीटर, डीजल का 55 रुपये था, अभी शतक मार रहे हैं। और उन्होंने कहा था 15 लाख प्रत्येक खाते में जमा करेंगे, क्या हुआ? रायपुर में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बोधघाट विद्युत परियोजना में बैकफुट पर आने पर कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा बोधघाट के नाम पर बस्तर के जनमानस को छला है, जब इस परियोजना से लगभग 3,66,580 हेक्टेयर में सिंचाई हेतु 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन होना था, जिसे लेकर प्रदेश सरकार ने सर्वे प्रारंभ करने का दावा किया था। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार को प्रदेश की जनता को बताना चाहिए कि अब तब सर्वे के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है और कितनी राशि खर्च की गई है, जिसका ऐलान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में भी किया था। जब विधानसभा के अंदर बातें आई, उसमें डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा स्पष्ट रूप से ये बातें कही गई कि आप बोधघाट परियोजना पानी देने की बात तो छोड़ दीजिए, आप उसका DPR बना करके दिखा दीजिए। तब रविंद्र चौबे जी ने कहा कि हाँ हम बना करके दिखाएंगे। मैं रविंद्र चौबे जी से भी पूछना चाहता हूँ कि आपका DPR कहाँ है। मुख्यमंत्री इसमें पलटी मार रहे हैं कि वनवासियों की अब बात करते हैं कि वहाँ के लोगों की बात करते हैं। तो जब वहाँ के लोगों की बात करते हैं तो दहाड़ के विधानसभा में आपने बातें कही, वो कहाँ है आज? डॉक्टर रमन सिंह ने तो पहले ही कहा था कि पानी की बात कर रहे हैं, DPR, अब DPR भी नहीं, प्रारंभिक जो सर्वे होना चाहिए ये सरकार सर्वे कराने में भी असफल रही है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से जुटे से मारने की धमकी का मामला सामने आया है। बता दें कि पशु विभाग के सीनियर डॉक्टर ने अनुकंपा नियुक्ति में कार्यरत तृतीय वर्ग कर्मचारी को जूते से मारने की धमकी दे डाली, जिससे आहत कर्मचारी ने कर्मचारी यूनियन से इसकी शिकायत की। वहीं सहायक शल्क चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजकुमार कुर्रे को हटाने की मांग की। वहीं मामले को लेकर डॉक्टर कुछ भी कहने से मना कर रहे हैं। वहीं दोबारा सवाल करने पर कहा कि गलती से जूता मारने की बात निकल गई, मैंने माफी भी मांग ली है। पिछले हफ्ते शुक्रवार को उन्होंने मुझे एक फाइल बनाने बोली थी और मुझे बोला था कि व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो मैं उसे व्हाट्सअप नहीं करवाया था क्योंकि मेरा फोन उस टाइम खराब था। तो अब आज मैंने उस फाइल को कम्प्लीट करके मैं रखने की अलमारी में, तब सर आए हुए थे, तब सर आए तो मैंने सर को दिखाया, तो सर मुझे बोलते कि तुम व्हाट्सअप क्यों नहीं किए मुझे, तो मैं बोला सर मेरा फोन खराब था, तो मुझे बोलते हैं कि तुम किसी और से फोन लेके क्यों नहीं कर सकते, तो बोला सर मेरी गलती है वहाँ पे। तो फिर मुझे बोलते हैं कि मैं तुमको 2-3 बार पहले भी समझा चुका हूँ और इसके बाद अगर कुछ होगा, अगर तीसरी बार समझा रहा हूँ, चौथी बार अगर कुछ होगा तो मैं कुछ नहीं करूंगा, जूता उतार के तुमको मारूंगा और तुमको जो करते मन तय कर लो, जहाँ कंप्लेन करना कर लो, मैं किसी से नहीं डरता। और उसके बाद मैंने सर को बोला कि सर ये भाषा गलत है, आप ऐसे नहीं बोल सकते, तो मुझे बोलते हैं ठीक है तुम बहुत गर्म हो रहे हो। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि मैं माफी मांगता हूँ। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे फिर ये बोला कि मैं जो बोलता हूँ वो जरूर करता हूँ। अभद्र व्यवहार तो नहीं हुआ है, काम के सिलसिले में बातचीत चल रही थी जिसमें उसको डांटा गया है, पिछले कुछ दिनों से काम नहीं कर पा रहा है, आज भी काम के लिए बोला गया था तो उसमें डांटा गया। अब उनकी बातें हैं तो वो अपना जानेंगे, बाकी हमारे से कोई अभद्र व्यवहार नहीं हुआ है। अगर हुआ भी है तो हमने ऐसा कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किया है, और किया भी है तो हमने मेरे ख्याल से हमने माफी भी मांग लिया था तत्काल, ठीक है ना? बिल्कुल, हमने शायद धोखे से निकल गया था डांट के दरमियान ही, और उसके तत्काल हमने माफी भी मांग लिया था कि यार सॉरी हमसे गलत निकल गया। जो अभी परिस्थितियां पता चली, 7 जून का जो है, और कुर्रे जी सहायक शल्य चिकित्सक हैं और वरिष्ठ हैं, और ऐसे मामलों में जब वरिष्ठता और जो नीचे अभी जूनियर जिनको 7-8 महीने भी नहीं हुए हैं, अनुकंपा नियुक्ति में ये नौकरी पे आए हैं, इनको सीखने के लिए भी शासन का भी प्रिस्क्राइब्ड रूल है कि कम से कम 5 साल से ऊपर होने पर कोई कर्मचारी किसी काम पे सिद्धहस्त होता है
और अभी इनको साल भर भी पूरे नहीं हुए, और ऐसे समय में उनसे समझा कर उनको पूरी जानकारी होगी। अभी उनको पूरा तरीके से एक प्रशिक्षण की भी बात होती है, जब पूरा प्रशिक्षण ले चुके होंगे तब वो सिद्धहस्त होंगे। तो ऐसे में सीनियर कर्मचारी के द्वारा जूनियरों को प्रताड़ित करना और जूते से मारने की बात करना निश्चित मानिए सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का खुला खुला उल्लंघन है। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद के थाना उत्तर के क्षेत्र कोटला चुंगी फ्लाईओवर पर रोडवेज बस में अचानक भीषण आग लग गई। बता दें कि बस में सवार करीब 70 से 80 यात्रियों ने आनन फानन में कूद कर अपनी जान बचाई। शुक्र है कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं मौके पर पहुंची कई फायर ब्रिगेड ने तत्काल आग बुझाई। देवरिया सुरौली पैकौली गांव में उस समय अफरा तफरी का माहौल मच गया जब पोखरे में नहाने गए 3 बच्चे पानी की गहराई में डूबने लगे। वहीं शोर सुनकर मौजूद आसपास के लोगों ने तीनों बच्चों को बाहर निकाला और तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने तीनों को ही मृत घोषित कर दिया। वहीं बच्चों की मौत की खबर मिलते ही गाँव में मातम छा गया। वहीं घटना की जानकारी लगते ही भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गया। और मैं नहाने के लिए पैकोली की ट्यूब, तो ट्यूब एक ही साथ नहा रहे थे, उसी पता नहीं क्या हुआ, डूब गए हैं। तीनों लोगों की मौत हो गई है। तीनों लोगों की मौत। ये उम्र क्या रही होगी तीनों लोगों की? 10 साल 12 साल। एक दुखद खबर सहारनपुर पुलिस विभाग से है, जहां लीवर रोग से पीड़ित चल रहे आरआई किशोर सिंह रौतेला का देहरादून के अस्पताल में निधन हो गया। बताने की आरआई रौतेला उत्तराखंड के बागेश्वर के रहने वाले थे। उनके निधन से पुलिस विभाग व परिवार में शोक की लहर है। वहीं किशोर सिंह रौतेला के निधन से सहारनपुर पुलिस लाइन में सलामी दी गई। इस दौरान सहारनपुर पुलिस के सभी बड़े अधिकारी मौजूद रहे। आगरा रेलवे अपर पुलिस महानिदेशक पीयूष आनंद आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने जीआरपी लाइन में निरीक्षण किया और अधीनस्थ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में रेलवे एसपी मोहम्मद मुस्ताक, सीओ जीआरपी सहित आगरा रीजन के सभी जीआरपी थाना इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज मौजूद रहे। इस दौरान रेलवे अपर पुलिस महानिदेशक पीयूष आनंद पत्रकारों से रूबरू हुए। वहीं उन्होंने बताया कि जीआरपी की सबसे पहली प्राथमिकता रेल यात्री के सफर को सुरक्षित बनाना है। साथ ही उन्होंने कहा कि गांजा तस्करों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। आगरा रीजन को इन मामले में बेहतर सफलता हाथ लगी है। आरपीएफ और जीआरपी दोनों संयुक्त रूप से गांजा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। कि बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन यहाँ रहा है जीआरपी और आरपीएफ में, कि काफ़ी मात्रा में ये गांजा पकड़ा गया है। और यही नहीं, इसके लिए उनके जो सोर्सेज हैं, सोर्स जो हैं, बेसिकली दो जगह से यहाँ गांजा रूट होता है। एक आंध्र प्रदेश में से आता है और कुछ उड़ीसा साइड से आता है। कुछ वहाँ पे भी संबंधित जो अधिकारी हैं उनको भी इस बारे में अवगत कराया गया है, उन्होंने भी अपने स्तर से चेकिंग शुरू की है। बट जो इन्वेस्टिगेशन में बात आती है, मतलब हर चीज़ में कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन में लाइन कहीं कट ऑफ हो जाती है। बिकॉज कई बार ये होता है कि जो आदमी कैरी कर रहा है उसको एक्चुअली खुद नहीं पता होता है कि उसका जो एक्चुअली सप्लायर है वो कौन है, और जो जिसको देना है वो बेसिकली एक, जिसे कहा जाए, कोरियर टाइप होता है। सीएम भूपेश बघेल के बयान पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रश्न मेरे चाहने का नहीं है, मेरी राय पृथक चीज है। मेरी राय खदान के लिए पेड़ न काटने की भी हो सकती है। अगर गांव वाले चाहें तो मेरी बात का कोई मायने नहीं रहता। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। प्रश्न मेरे चाहने का नहीं है, मैंने हमेशा यही पहल की है, और कल भी मैं गया था तो मैंने वहाँ सार्वजनिक तौर पे भी यही कहा था कि मेरी क्या राय है ये पृथक चीज़ है। मेरी राय खदान के लिए पेड़ ना कटने की भी हो सकती है, लेकिन अगर जिनकी ज़मीन जा रही है और वो गांव वाले चाहें कि नहीं, यहाँ हम चाहते हैं कि यहाँ खदान आए, तो मेरी बात का कोई मायने नहीं रहता। तो प्रश्न मेरी बात का नहीं होना चाहिए, गाँव वाले जो चाहते हैं बात वो होनी चाहिए। पुलिस ने 25 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में शातिर दंपति को दुर्ग पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया। बता दें कि बीमा पॉलिसी के नाम पर लोगों को ठगने वाले दंपति को दिल्ली से ट्रांजिट रिमांड पर दुर्ग लाया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से मोबाइल फोन,
सिम कार्ड और कई बैंक की पासबुक बरामद की। वहीं दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि दोनों पति पत्नी 2012 में CS इनोवेशन इंश्योरेंस ब्रोकर कंपनी में काम की शुरुआत की थी। विभिन्न लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों का इंश्योरेंस प्लान किया। इसी दौरान 2013 में भिलाई निवासी दुलार सिंह से संपर्क हुआ। इसके बाद कई कंपनियों का इंश्योरेंस दुलार सिंह के नाम पर किया। हालांकि कंपनी वर्ष 2016 में बंद हो गई। इसके बाद भी वह लगातार ठगी करते रहे। फिलहाल पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। स्टील प्लांट के एक रिटायर्ड एम्प्लॉई से 8 साल पहले इंश्योरेंस के नाम पे 9 लाख रुपए इन्वेस्ट कराए गए और उसके बाद इंश्योरेंस के कंपनी के आदमी बनकर लगातार उनसे पैसे डलवाए गए और टोटल 1,23,00,000 की ठगी हुई है। इस ठगी में जो मास्टरमाइंड थे पुरुष और महिला, उनको दिल्ली जाके दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके सारे अकाउंट्स जो हैं ब्लॉक किए गए हैं और उनके द्वारा कुछ प्रॉपर्टी जिसमें खरीदी गई हैं उन प्रॉपर्टीज़ का भी कुर्की करा के इनको पैसा दिलाने की पूरी कोशिश की जाए। दुर्ग जिले में गर्मी चरम पर है। गर्मी का मौसम आते ही पानी को लेकर दुर्ग जिले में हाहाकार मचा है। जैसे जैसे गर्मी का पारा बढ़ रहा है वैसे वैसे नेताओं और जिला प्रशासन के ऊपर जनता का पारा बढ़ रहा है। भिलाई में बीजेपी पार्षद दया सिंह के नेतृत्व में पानी को लेकर जमकर हल्ला बोल किया गया, जिसमें वार्ड के सैकड़ों लोगों ने भिलाई नगर निगम के जोन कार्यालय 4 का घेराव कर आयुक्त को समस्याएं बताई। वहीं वार्ड वासियों ने पानी की समुचित व्यवस्था नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। वार्डों में पानी की पर्याप्त व्यवस्था है। इनका मुख्य मांग यह है कि सेकंड टाइम भी नल सप्लाई किया जाए। नगर निगम द्वारा वर्तमान में एक टाइम सुबह पानी सप्लाई किया जा रहा है तो करीब करीब सभी वार्डों में पानी तो पर्याप्त पहुँच रहा है। नहीं, उनका डिमांड है कि दोनों टाइम पानी आ जाए तो उसके लिए अभी आगे जो प्लानिंग कर रहे हैं। पानी साफ है, कुछ एरिया में जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे कुछ हैंड पंप के हैं जो वो पॉल्यूटेड वाटर है उसके संबंध में कम ले रहे हैं। देख रहे हैं कि किस तरह का खुर्ची पार के अंदर में किस तरह का माहौल है। लोग पानी को लेकर काफ़ी परेशान है। वार्ड 44 ही नहीं बल्कि खुर्ची पार भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ने पूरे भिलाई पार्षदगण जितने हैं सबके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और पानी के नाम पे सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। देख रहे हैं लोग दो दो दिन से नहीं आज यहाँ पर क्या बोलते हैं कपड़ा आके धो रही हमारी माताएं बहनें। बीते दिनों सोशल मीडिया पर देर रात होटल के बाहर मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था। वहीं वीडियो की तस्दीक कर तेलीबांधा पुलिस ने सार्वजनिक स्थल में झगड़ा करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल 5 जून को एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें VIP रोड पर रात के समय कुछ लड़के लड़की आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। थाना तेलीबांधा पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर झगड़ने वालों की पहचान की। इसमें एक पक्ष से 4 लड़कों व दूसरे पक्ष से 2 लड़कियों को गिरफ्तार किया। में VIP रोड में जो एक वीडियो वायरल हुआ था शनिवार रात का, जिसमें कि कुछ लड़के लड़की जो है आपस में लड़ाई झगड़ा करते हुए दिखाई दे रहे थे। इस पर भी रायपुर पुलिस द्वारा उक्त वीडियो पर हमारे SSP महोदय के निर्देशन पर स्वतः संज्ञान लेते हुए उक्त आरोपी युवक युवतियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में लिया गया है। उनके विरुद्ध विधि सम्मत अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बेमित्रा में अवैध शराब बेचने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूरा मामला नांदघाट के ग्राम संबलपुर का है, जहां पुलिस को मुखबिर से सूचना पर मथुरा प्रसाद बंजारे ढाबे की आड़ में अवैध रूप से शराब बेच रहा था, जिसके बाद पुलिस की टीम ने मौके पर दबिश दी और आरोपी को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। बिलासपुर में एक हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई। पूरा मामला जिले के बेलगहना थाना चौकी क्षेत्र का है, जहां देर रात एक ऑटो बोलेरो से टकराई और खेत में पलट गई। ऑटो में सवार 2 महिलाओं की मौत हो गई और 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी को रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से घायलों को बिलासपुर रेफर किया गया। बेमित्रा पुलिस ने PACL चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर को पंजाब से गिरफ्तार किया। दरअसल इस कंपनी के खिलाफ बेमित्रा के सैकड़ों निवेशकों ने 2017 में अपराध पंजीबद्ध कराया था, जिसके बाद
पुलिस की टीम लगातार विवेचना में लगी हुई थी। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कंपनी के डायरेक्टर जोगेंद्र टाइगर पंजाब में है, जिसके बाद स्पेशल पुलिस टीम को भेजा गया, जहां से उसे गिरफ्तार कर बेमेतरा लाया गया। आपको बताने के कुछ दिन पूर्व ही पुलिस ने डायरेक्टर अनुराग शर्मा को गिरफ्तार किया था। PSEL कंपनी के डायरेक्टर जोगिंदर टाइगर की गिरफ्तारी जो है थाना बेमेतरा और बिरला के प्रकरणों में की जा रही है। ये आरोपी जो है अपराध जो है 2017 में पंजीबद्ध किया गया था और श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार और उनकी गंभीरता को देखते हुए इस प्रकरण में एक्टिव होकर बेमेतरा पुलिस के द्वारा जो है चिटफंड की कंपनियों के डायरेक्टरों को समय समय पर गिरफ्तार किया जा रहा है और आगे इस प्रकरणों में और विवेचना जारी है। और भी डायरेक्टर बचे हुए जिनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एमके न्यूज़। नमस्कार।